कुल्लू में गणित और विज्ञान के टीचरों के लिए कार्यशाला की शुरुआत। स्टार प्रोजेक्ट के माध्यम से दिया जा रहा हासिल शिक्षकों को प्रशिक्षण। नई शिक्षा नीति के तहत दी जा रही ट्रेनिंग। सोलन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर कर्मचारी। महासंघ प्रदेश सरकार से की जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की अपील। हमीरपुर के सुजानपुर पहुंची शौर्य रथ यात्रा। विधानसभा क्षेत्र में हुआ यात्रा का भव्य स्वागत। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्की में दीक्षांत समारोह का आयोजन। संस्थान के आईएमसी अध्यक्ष विनोद पवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला परिषद नकरोटा सूर्या इकाई के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 55 पंचायतों में सरकारी कामकाज हुआ ठप। नालागढ़ के किपालपुर में करंट लगने से मजदूर की मौत। ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था मजदूर। ग्वाली के बसंतपुर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कहरिया की टीम ने लहराया जीत का परचम। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। नूरपुर में आयुष विभाग ने चलाया आयुष्मान भवा पखवाड़ा अभियान। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में 118 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की कराई जांच। हमीरपुर में 1 अक्टूबर को 3 संस्थानों पर हुई चोरियां। तकरीबन 19 लाख रुपए के जेवरात और सामान पर चोरों ने किया था हादसा। पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। पांवटा साहिब में आयरन वाली फैक्ट्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कहा फैक्ट्री के जहरीले धुएं से होती है परेशानी। शिमला में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। रामपुर के विधायक नंदलाल ने किया प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ। हमीरपुर में देवर ने की अपनी भाभी की पिटाई। पीड़ित के गर्दन और शरीर पर पाए गए चोट के निशान। देवर और अन्य ससुराल जनों पर कड़ी कार्यवाही की उठाई गई मांग। सोलन में सब्जियों के गिरे दाम। टमाटर के रेट 450 से 550 के आसपास पहुंचा। खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त। सोलन के 2 सैंपलों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। व्यापारियों को दिए गए नोटिस।